हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका चैनल के इस नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूएफा चैंपियंस लीग के डे टू के मुकाबलों के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास दो बहुत ही अहम मुकाबले हैं, यहाँ पे पीएसजी वर्सेस रियल मैड्रिड, तो दूसरा है एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस यूवेंटस। सबसे पहले बात करते हैं पीएसजी वर्सेज रियल मैड्रिड के मुकाबले के बारे में। तो यहाँ पे पीएसजी जो है एज यूजुअल लीग वन में देखिए चल रही है नंबर वन पोजीशन पे। वहीं पिछले मुकाबले की अगर हम बात करें तो वो था स्ट्रासबर्ग के खिलाफ, जिसमें नेमार जूनियर ने ओवरहेड किक स्कोर करके इंजरी टाइम में उनको जीत हासिल कराई है। वहीं पीएसजी के पिछले सीजन की अगर हम बात करें यूसीएल के, तो वो देखिए राउंड ऑफ 16 में एलिमिनेट हो गए थे। ओल्ड ट्रैफर्ड में भले उन्होंने 2-0 की लीड कमा ली थी, लेकिन रिटर्न लेग में वो मैनचेस्टर यूनाइटेड से 3-1 से हार गए, जिसके बदौलत उनका राउंड ऑफ 16 का सफर वहीं पे खत्म हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें रियल मैड्रिड की, तो वो इस वक्त फिलहाल ला लीगा में थर्ड पोजीशन पे हैं, और लास्ट मैच में लेवांते के खिलाफ उन्होंने 3-0 की जो लीड थी बहुत ही आसानी से बना ली थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने मैच जो था वो 3-2 पे खत्म किया, जिससे ये पता लगता है कि रियल मैड्रिड के डिफेंस में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बात करते हैं इंजरी जो सस्पेंशन की, तो यहाँ पे दोनों ही टीम्स की ओर से बहुत ज़्यादा खिलाड़ी जो है अनअवेलेबल हैं इस मैच के लिए। पीएसजी की अगर हम बात करें तो देखिए उनके तीनों ही फॉरवर्ड जो खिलाड़ी हैं वो अनअवेलेबल हैं इस मैच के लिए। तो यहाँ पे एडिसन कवानी और एम्बापे जो हैं वो तो इंजर्ड हैं, वहीं नेमार जूनियर देखिए सस्पेंडेड हैं इस मैच के लिए। इसके अलावा देखिए कैरर और ड्रैग्जलर जो हैं वो भी डाउटफुल हैं इस मैच के लिए। दूसरी ओर अगर हम बात करें रियल मैड्रिड की, तो यहाँ पे मार्को असेंशियो जो हैं वो लगभग अगले साल तक वापसी नहीं कर सकते रियल मैड्रिड की टीम में। इसके अलावा देखिए इसको जो है वो भी इंजरी से रिकवरी कर रहे हैं और ट्रेनिंग में वापसी कर चुके हैं। वहीं रीसेंट इंजरीज की अगर हम बात करें तो रियल मैड्रिड के लेफ्ट बैक जो हैं मार्सेलो वो भी इस वक्त इंजर्ड हैं। इसके अलावा लुका मॉड्रिक और फेडरिको वेलवर्दे जो भी हैं वो भी डाउटफुल हैं इस मैच के लिए। इसके अलावा देखिए रियल मैड्रिड के सस्पेंशन लिस्ट में नैचो और सर्जियो रैमस हैं, तो यहाँ पे सेंटर बैक के लिए एडर मिल्टाओ पर भरोसा करना पड़ेगा रियल मैड्रिड की टीम को। पढ़ते हैं प्रेडिक्टेड लाइनअप की ओर, तो पीएसजी की ओर से ये हो सकती है उनकी प्रेडिक्टेड लाइनअप। यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड में यहाँ पे हमें इकार्डी दिखाई दे सकते हैं चौपा मोटिंग के साथ। वहीं अगर हम बात करें सराबिया की, तो वो भी स्टार्टिंग 11 में हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए गोलकीपिंग पोजीशन पे यहाँ पे नावस को इस मैच में ज़रूर मौका मिल सकता है उनके एक्सपीरियंस के कारण। वहीं अगर हम बात करें रियल मैड्रिड की, तो उनकी ओर से ये हो सकती है उनकी प्रेडिक्टेड लाइनअप। रियल मैड्रिड की ओर से देखिए हामिस रॉड्रिग्यूज जो है इस मैच में ज़रूर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लुका मॉड्रिक अनअवेलेबल हैं और इसको भी अनअवेलेबल हैं, तो यहाँ पे उनकी फिक्स्ड है पोजीशन। वहीं इनके साथ देखिए गैरेथ बेल भी हो सकते हैं, क्योंकि गैरेथ बेल पिछले मैच में देखिए सस्पेंशन के कारण नहीं खेल पाए, तो यहाँ पे इस मैच में वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए हैजार्ड जो है वो इस मैच में डेब्यू कर सकते हैं अपना फुल तरीके वाला। वहीं इसके साथ देखिए सेंटर बैक की जो भूमिका है, यहाँ पे रैमस और नैचो नहीं है, तो यहाँ पे एडर मिल्टाओ पर होंगी सारी की सारी जिम्मेदारी। बढ़ते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर, तो यहाँ पे जिनेडिन जिदान ने देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि इकार्डी जो है एक बहुत ही अच्छे स्ट्राइकर हैं, और उन्होंने उनको देखा था जब वो इंटर मिलान की ओर से खेलते थे। वहीं अगर हम बात करें हैजार्ड की, तो उनके बारे में उन्होंने कहा कि वो इस मैच में ज़रूर स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें पीएसजी के मैनेजर थॉमस टुचेल की ओर, तो उन्होंने कहा कि बेंजेमा जो है बहुत ही अंडररेटेड खिलाड़ी, और उनके खिलाफ डिफेंड करना बहुत ही टफ हो सकता है पीएसजी के लिए। बढ़ते हैं अगले मुकाबले की ओर, तो ये मुकाबला है यूवेंटस वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड के बीच में, और ये मुकाबला होने जा रहा है एथलेटिको मैड्रिड के होम स्टेडियम वैंडा मेट्रोपॉलिटानो में। पिछले सीजन की अगर हम बात करें तो यूवेंटस ने ही उन्हें एलिमिनेट किया था चैंपियंस लीग के सफर से। वहीं अगर हम बात करें एथलेटिको मैड्रिड के करंट फॉर्म की, तो वो भी कुछ ठीक ठाक चल रही थी थोड़े दिन पहले, लेकिन लास्ट मैच जो था उनका रियल सोसिएडाड के खिलाफ, उसमें वो हार गए 2-0 से। वहीं बात करते हैं यूवेंटस की, तो देखिए पिछला जो उनका मुकाबला था वो था फ्योरेंटीना के खिलाफ, जो कि था एक ड्रॉ 0-0 से। वहीं अगर हम बात करें पिछले सीजन के सफ़र की, तो यहाँ पे उन्हें एलिमिनेट किया था आयाक्स की टीम ने, तो एक बहुत ही बड़ा उनके लिए झटका था, क्योंकि आयाक्स जैसी यंग टीम ने उन्हें बाहर किया था। वहीं देखिए इस सीज़न की अगर हम बात करें, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो से अभी बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं उनके फैंस और उनके जो मैनेजर हैं मैनेजर सारी, क्योंकि अभी तक उन्होंने जितने भी गेम्स खेले हैं उसमें सिर्फ अभी तक उन्होंने एक गोल स्कोर किया, तो उम्मीद यही करते हैं कि चैंपियंस लीग की वापसी के साथ उनकी भी वापसी हो जाए फॉर्म में। बढ़ते हैं इंजरीज लिस्ट की ओर, तो यहाँ पे अल्वारो मराटा और थॉमस पार्टी देखिए एथलेटिको मैड्रिड की ओर से यहाँ पे इंजरी लिस्ट में है, तो यहाँ पे उनका खेलना लगभग तय नहीं है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें यूवेंटस की, तो यहाँ पे मैरिजियो सारी के लिए बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन हो रही है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर जो हैं उनके लगभग फिट भी हैं और नहीं भी हैं, तो यहाँ पे उनके लिए टफ सिचुएशन। अगर इस मैच में कोई उनका खिलाड़ी इंजर्ड होता है, तो आने वाले मैचेस के लिए उनके लिए टफ हो जाएगा। वहीं पिछले मैच की अगर हम बात करें, तो तीन खिलाड़ी जो थे उनके इंजर्ड हो गए थे, डॉगलस कोस्टा, पियानिच और डैनिलो, लेकिन वो फिर से अवेलेबल होंगे। डॉगलस कोस्टा जो हैं वो इस वक्त अभी तक इंजर्ड हैं, तो यहाँ पे पियानिच और डैनिलो का खेलना तय लग रहा है, क्योंकि उन्होंने वापसी कर ली है। वहीं कैलिनी जो हैं अभी तक इंजर्ड रहेंगे, तो उनकी जगह देखें मैथिस डीलिक जो हैं उनकी भूमिका निभा रहे हैं।
बढ़ते हैं प्रेडिक्टेड लाइनअप की ओर। तो एथलेटिको मैड्रिड की ओर से ये हो सकते हैं उनकी प्रेडिक्टेड लाइनअप। यहाँ पे देखिए यानो प्लैक जो उनके गोलकीपर हैं उनका खेलना डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि पिछला जो मुकाबला था रियल सोसिएडाड के खिलाफ उसमें उनके सर पे चोट लग गई थी। तो यहाँ पे अगर नहीं खेलते हैं वो तो अडान उनकी जगह ले सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें फ्रंट अटैकर्स की तो यहाँ पे जुआव फेलिक्स और डियागो कोस्टा इस मुकाबले में फ्रंट को संभाल सकते हैं। बढ़ते हैं यूवेंटस की ओर, तो ये हो सकती है उनकी प्रेडिक्टेड लाइनअप। यहाँ पे देखिए फुल बैक में उनकी कमी है टीम में इस वक्त, लेकिन यहाँ पे कोडराडो जो है वो भी फुल बैक की भूमिका अच्छे से निभा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें मिडफील्ड की तो यहाँ पे अभी तक एड्रिन रेबियो और रैमजी का डेब्यू करना बाकी है, तो यहाँ पे उनको भी मौका दिया जा सकता है। वहीं देखिए रोनाल्डो का साथ देते नजर आ सकते हैं हिग्वाइन। वहीं डॉगलेस कोस्टा इस मैच में नहीं खेल पाएंगे। वहीं एक और चॉइस इंटरेस्टिंग यहाँ पे इस मैच में है, वो है उनके गोलकीपर की चॉइस। यहाँ पे शेज़नी और बुफोन में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे बुफोन खेलना चाहेंगे, चैंपियंस लीग एक एक्सपीरियंस गोलकीपर माने जाते हैं, तो यहाँ पे बुफोन का मौका यहाँ पे ज्यादा लग रहा है। बढ़ते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर, तो यहाँ पे देखिए एथलेटिको मैड्रिड की ओर से यहाँ पे गिमेनेज आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। तो उन्होंने कहा कि रोनाल्डो ही नहीं है उनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट यूवेंटस की, वो और भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं उनके पास। वहीं उन्होंने कहा कि जुआव फेलिक्स जो हैं भले 19 साल के हैं लेकिन उनका फ्यूचर जो है उन्हीं के हाथों में है, तो अगर वो बहुत अच्छी तरह से अपने आप को निखारते हैं तो एक बहुत ही लेजेंडरी खिलाड़ी बन सकते हैं। इसके अलावा देखिए डियागो सिमियोनी जो उनके मैनेजर हैं उन्होंने भी कहा कि देखिए रोनाल्डो को कंट्रोल करना बहुत ही टफ होता है, और उनके खिलाफ जब भी वो प्रिपेयर करते हैं तो एक बहुत ही टफ ओपोनेंट तरह वो उभर के आते हैं। वही दूसरी ओर अगर हम बात करें मरीजियो सारी की, तो उन्होंने कहा है कि इटालियन टीम्स जो हैं उनके लिए बहुत ही टफ होता जा रहा है यूएफा चैंपियंस लीग जीतना। वहीं एथलेटिको मैड्रिड के पास एक ऐसी टीम है जो कि चैंपियंस लीग जीत सकती है, लेकिन उनके पास अच्छा टेम्परमेंट और मेंटेलिटी होनी चाहिए जो कि चैंपियंस लीग आपको जिता सकता है। ब्रॉडकास्टिंग की अगर हम बात करें तो ये मुकाबले आप फिर से देख सकते हैं सोनी लिव या फिर सोनी नेटवर्क पे, और ये मुकाबले आज रात को टेलीकास्ट होंगे 12:30 PM। तो देखना ना भूलिए इनमें से कोई एक मुकाबला, क्योंकि सारे ही मुकाबले जो होते हैं 12:30 PM हैं तो काफ़ी कंजेस्टेड है। तो जो भी आपकी टीम है आप उनको सपोर्ट करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अपनी प्रेडिक्शन, और तब तक के लिए हमेशा की तरह देखते रहें और सपोर्ट करते रहें फ्री किक सिंह।